ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव की मिलीभगत से ग्राम पंचायत में कई घोटाले। बाराबंकी पूरा मामला तहसील ग्राम सनेही घाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत नाथपुर ब्लॉक बनीकोडा का है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान रविंद्र कुमार मिश्र एवं पंचायत मित्र द्वारा कई लोगों के खेतों के समतलीकरण दिखाकर पैसे निकाल लिए है। कई लोगों को शौचालय भी नहीं मिला। नाथपुर पंचायत के अंतर्गत लालपुर चक्रामपुर व दलसिंहपुर को मिलाकर चार गाँव की पंचायत है। आसाराम तिवारी अखिलेश तिवारी कृष्णनंद के अनुसार शौचालय निर्माण अन्य कई कार्यों को लेकर पंचायत भवन में कभी बैठक नहीं हुई और पंचायत भवन के चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहां तक जा पाना दुश्वार है। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय निर्माण सही न होने के कारण लोग उस जगह शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। लालपुर में बने विद्यालय तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे बच्चों को होती है, जिसके लिए कई बार प्रधान से शिकायत की गई पर हो जाएगा बोलकर बात टाल देते हैं। आश्चर्यचकित करने वाली बात तो यह है कि पंचायत में मनरेगा के तहत कार्य तो लाखों रुपये का हुआ, पर जिसका कार्य हुआ उसी को पता नहीं है। पंचायत में समतलीकरण की फाइल बनी, पैसा भी निकला, लेकिन जिसके खेत का समतलीकरण हुआ उसी को पता नहीं। पंचायत निवासी आशीष तिवारी, आसाराम तिवारी, बेचूलाल रावत, रामधन शिवशंकर के खेत का समतलीकरण केवल फाइल में होकर पैसा निकाल गया, लाभार्थी को पता ही नहीं चला। पंचायत की फाइल में वृक्षारोपण तो हुआ, पर जमीन पर कब होगा पता नहीं। ग्रामीण श्री कृष्णनंद जी का कहना है कि उसने खेत पर वृक्षारोपण का पैसा निकाल गया और उन्हें खुद पता नहीं हो कि कहां वृक्षारोपण हुआ है। ज्यादातर ग्रामीणों का कहना है कि नाथपुर ग्राम पंचायत में काम तो बहुत हुआ है, पर फाइल पेपरों पर जमीनी हकीकत पर कुछ नहीं है और मरम्मत के नाम पर कुछ भी ग्राम प्रधान द्वारा नहीं किया गया। गाँव की समस्या जटिल है। ग्राम प्रधान द्वारा गाँव के विकास कार्यों के नाम पर जो धांधली हुई है, संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से समस्या को अपने संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मेरा नाम अखिलेश तिवारी है जी। जी मेरा आवास आया हुआ था प्रधानमंत्री आवास जी, जी। लेकिन उसमें प्रधान और पंचायत मित्र ने जी। उसके साथ में जो शौचालय आता है वो नहीं दिया है, मना कर दिया, बोले इसके साथ शौचालय नहीं आता है जी। जी बाद में मुझको पता चला नेट द्वारा जी कि मेरा शौचालय का पैसा निकाल लिया गया है और निर्माण भी नहीं कराया गया जी। जी तो इसकी जानकारी क्या हमने ब्लॉक से या ग्राम सचिव द्वारा लिया, जिससे कोई आपको कुछ संतुष्टि मिली या कोई आपको जवाब दिया गया? जब मैंने प्रधान से बात की जी जी तो उन्होंने कहा कि मेरा सब जो है कमीशन जाता है, मेरा कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी कर ले उसमें जी। तो मैंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक 10 दिन हो गए हैं, कोई जांच नहीं हुई है जी। जी मैं दोबारा शासनादेश लगाकर जांच करवाने के लिए आया हूँ जी। अब आज फिर मुलाकात नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, अब मैं उनको फिर से रजिस्ट्री द्वारा ही अवगत कराऊंगा जी। बाकी व्यक्तियों की जो समस्या है वो आपके साथ में आए हुए हैं जी? जी जी आपके ग्राम पंचायत में जी। आइए जी, आपका नाम क्या है? आसाराम तिवारी जी। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हमारे खेत का समतलीकरण कागज पर हुआ, हमको मेरे द्वारा पता चला जी जी जी, लेकिन मौके पर कोई कार्य नहीं हुआ। खेत समतलीकरण नहीं हुआ? खेत समतलीकरण बिल्कुल नहीं हुआ जी। कितना खेत है आपका? हमारे पास कितनी धनराशि निकाली गई खेत समतलीकरण? 59,000 रुपए धनराशि आपके खेत से निकाली गई जी। जी और इसके पहले भी कई बार हुआ है जी। आपको कोई सूचना नहीं मिली आपके खेत में कुछ हुआ नहीं? पूछने पर पता चला कि हमारी किसान भाई पहले मांग रखे थे जी, रखे थे जी, जी और आधार कार्ड मनरेगा के तहत लिया था जी। उससे बताया कि कागज तो हमारे पास तुम्हारे हो चुके हैं, हमको ये नहीं पता चला जी, कैसे क्या लगाया है जी। पैसा निकला जब नेट पर देखा तो पता चला 59,000 रुपए। आपका पेमेंट निकाल लिया गया? आपको पेमेंट निकाल लिया गया, लेकिन हमको ये पता नहीं चला जी। जी तो आप जिलाधिकारी को ज्ञापन देने हैं? हाँ, जिलाधिकारी को दे चुके हैं जी। जी और आज मुलाकात नहीं हुई सर से जी। जी जी आपका क्या नाम है? हमारा नाम है श्री शंकर जी। आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ सर खेत का समतलीकरण नहीं कराया गया है जी। जी सर उसका पैसा निकाल लिया गया जी। ग्राम पंचायत के प्रधान जी 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 कहते हैं कि हम पैसा दे देंगे, कुछ नहीं होगा जी। जी ओके। आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार जी। क्या प्रॉब्लम है आपको? हमारे खेत की संतरी ग्राम जी वृक्षारोपण ये सब करा लिया गया है जी, और उसका कोई पेमेंट जानकारी बाद में मिली जी ले लिया जी। मतलब पैसा आपका निकल गया है, पेपर पे पैसा लिखा हुआ और खेत में समतलीकरण नहीं हुआ है, पैसा निकल गया केवल जी। क्या नाम है आपका? कौन सी ग्राम पंचायत से हैं आप? नाम क्या है आपका? अनिल जी। आपके आपके क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है हमारे खेत में पैसा निकाल लिया गया समतलीकरण, खेत में समतलीकरण नहीं जी। इसीलिए मैं जी 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 आवश्यक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप जी। ओके।
जी आपका नाम क्या है? अरविंद त्रिपाठी जी। दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत है कि हमारा वृक्षारोपण हुआ है, हमें बाद में पता चला जी, और पैसा निकाल लिया गया है, खेत में एक भी पेड़ नहीं लगा। मतलब आपको पता नहीं चला, पेपरों पे काम हो गया, पैसा पेमेंट निकल गया, शौचालय भी निकाल लिया गया है जी। आपने सूची, आपने सूची चेक की है? सूची चेक की है, पूरा कन्फर्म हुआ जी जी। तो इसके लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आ पाए? हाँ, जिलाधिकारी जी को पहले रजिस्ट्री कर चुके हैं जी, आपको कर चुके हैं जी। आज दोबारा से मिलने आए थे लेकिन कोरोना के चलते नहीं मिल जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है जी। आप सभी लोग ग्राम पंचायत नाथूपुर से ही हैं? ग्राम पंचायत नाथूपुर बनी कोड़ा जी। ओके जी जी, क्या? हाँ जी, लगभग 70 लोगों का जी संतलीकरण का पैसा निकाल लिया गया है, किसानों को कोई जानकारी नहीं जी। दो चार लोगों का सिर्फ मेड़बंदी का कार्य हुआ जी जी। लगभग 50 लाख से ऊपर का गमन जी जी। अब प्रधान जी द्वारा कहा जा रहा है जी, 2000 ले लो, 4000 ले लो जी, मतलब पैसा देके आपको रोकने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है, कहीं जाओगे कुछ नहीं हुआ है, मेरा कमीशन सब जगह जाता है जी जी। बोल रहे हैं कि 2000 ले लो, 4000 ले लो जी, लेना है तो लो, नहीं तो आप जाइए, हमारा कुछ नहीं होगा। हमने सरकारी पैसा लिया, हमने किसी का नहीं लिया। अच्छा अच्छा, और आपको जाना है कोई कहाँ जाएगा? मुख्यमंत्री तक जाएगा, उसके बाद भी ब्लॉक से ही जाँच होना है जी, वो हम अपने स्तर से करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जी। और सभी लोगों का सेम प्रॉब्लम है, सबका संतलीकरण वाले जी जी। और अभी अगर गांव में आप आएंगे हमारे जी जी, तो वहाँ आपको 50 लोग मिलेंगे ऐसा बोलने वाले जी जी। वो लोग यहाँ तक आने में थोड़ा डरते हैं और असक्षम है आने में जी जी, बस ये बात है।